जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में दाखिल हुई है, तब से ये सस्पेंस बना हुआ है कि अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा में पेच फंसा हुआ है। और आज जब न्याय यात्रा अमेठी में एंट्री करने वाली थी, उससे पहले ये हवा उड़ने लगी कि राहुल गांधी ने बीच रास्ते में अपनी जीप रुकवाई और अखिलेश का ये बयान सुनने लगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो सुना आपने, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्याय यात्रा के बहाने न सिर्फ कांग्रेस को चेतावनी दे डाली, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी दो टूक बोल दिया कि जब सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा, तभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होगी। सूत्रों से तो ये भी खबर है कि सपा कार्यकर्ताओं को भी न्याय यात्रा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। अखिलेश यादव के इस बयान से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सपा प्रमुख के यात्रा में शामिल होने को लेकर उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था, उम्मीद करता हूं कि कल जुड़ेंगे, वो कल जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। और आज तो कांग्रेस अध्यक्ष आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। और कल हम पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी। और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं, और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। बता दिए कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किया था। एक्स पर उन्होंने अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी थी, लेकिन अब अखिलेश ने खुलकर बोल दिया है कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक वो कांग्रेस की इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे इंडिया गठबंधन की एकता को बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।